वरुण धवन और नताशा दलाल वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल में से एक है। भले ही एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने रिश्ते को मीडिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें छुपाई नहीं छुपती। और ऐसे ही देखते ही देखते दोनों बन गए मच टॉक्ड अबाउट कपल ऑफ बी टाउन। तो चलिए आज जानते हैं इस कपल की लव स्टोरी के बारे में। सबसे पहले आपको नताशा दलाल के बारे में बताते हैं। नताशा एक फैशन डिजाइनर है बाय प्रोफेशन और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से पूरी की और इंडिया लौटने के बाद उन्होंने खुद का क्लोथिंग लाइन ओपन किया बाय द नेम नताशा दलाल लेबल। वही वरुण धवन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया और आज वो ए लिस्ट एक्टर की लिस्ट में शामिल होते हैं। बता दे कि वरुण धवन और नताशा दलाल चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और ये वरुण के एक्टर बनने से पहले ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिपोर्टेडली जब नताशा न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी तब दोनों को महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शुरुआत में वरुण अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपाना चाहते थे, लेकिन ये दोनों कभी मीडिया की नजरों से छुपी नहीं पाए और इवेंचुअली दोनों ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वरुण धवन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि नताशा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और कि उन्हें स्पॉटलाइट बिल्कुल नहीं पसंद। वेल, हर रिलेशनशिप की तरह इनके रिश्ते में भी खटास को लेकर मीडिया में खबरें आई थी। रूमर्स थे कि आलिया भट्ट की वजह से इनसिक्योरिटीज पैदा हो रहे थे इनके रिश्ते में, जिसकी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। लेकिन बाद में दोनों ने ये साबित किया कि ये सिर्फ एक रूमर है। इसके बाद नताशा दलाल को वरुण धवन के फैमिली के साथ भी स्पॉट किया जाने लगा। उनके फैमिली के साथ पार्टीज और फंक्शंस में नताशा को देख सबने अंदाजा लगाया कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। और फिर बड़ा खुलासा हुआ करण जौहर के कॉन्ट्रोवर्शियल कॉफी शो कॉफी विद करण में। वरुण धवन ने इस शो में कहा था, आई एम डेटिंग हर एंड वी आर अ कपल, आई प्लान टू मैरी हर। और इस बिग रेवलेशन ने सभी को चौंका दिया था। वही करण जौहर, जिन्होंने वरुण धवन को इंडस्ट्री में लॉन्च किया, उन्होंने वरुण और नताशा के रिश्ते को लेकर कहा था, I will feel that I'm giving my son away, but he's definitely looking forward to their wedding. सोनम कपूर और दीपवीर के वेडिंग में जब वरुण और नताशा एक साथ आए थे, तब से लेकर फैंस इन दोनों को भी शादी के बंधन में बंधते देखना चाहते हैं। बता दे कि खबरें आई थी कि इस साल के मई में वो शादी करेंगे, जो कि गलत साबित हुआ। लेकिन ऐसे लगातार सामने आ रहे डेट से परेशान होकर वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने एक बार कह दिया था कि वो और डेट्स और वेन्यूज नहीं सुनना चाहते हैं और कि जब वरुण शादी करेंगे तब वो खुद सबको बताएंगे और कि वही सबसे ज्यादा खुश होंगे। करीना कपूर खान ने एक बार इन दोनों की शादी को कंफर्म करते हुए इन्हें टीज किया था। दरअसल एक टॉक शो के दौरान वरुण धवन की गर्लफ्रेंड नताशा को करीना कपूर खान ने मंगेतर कहकर बुलाया। इसके बाद वरुण धवन ने नताशा संग सगाई और शादी पर खुलकर बात की। टॉक शो में वरुण धवन एक गेस्ट के रूप में आए थे। नताशा संग शादी को लेकर वरुण ने कहा, देखिए, शादी की अगर बात आती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। जब आप किसी इंसान को इतने लंबे वक्त से जानते हो तो उससे शादी करना ठीक है। शादी की बात करें तो जहां पहले वरुण धवन के अंकल ने वरुण नताशा की शादी की खबरों का खंडन किया था और कहा था, वाह, मैं सरप्राइज्ड हूँ, दोनों इस महीने शादी कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, क्या वो हमें आखिरी वक्त में इन्वाइट करेंगे, इतना सीक्रेट रख रहे हैं क्या। हालांकि अब उन्होंने दोनों की शादी की पुष्टि करते हुए कहा, मेरे भतीजे वरुण धवन की 24 जनवरी को शादी हो रही है, मैं इसे लेकर काफी खुश हूँ
उन्होंने कहा कि वो भी इस शादी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो फाइनली वरुण और नताशा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।